तो दोस्तों आज सिक्स फरवरी 2023 मार्केट के अंदर आज हमें फिर से करेक्शन देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया सत्रह हजार सात सौ चौंसठ पॉइंट पे लगभग 0.50 परसेंट गिरावट के साथ आज शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव में था और नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिया तो आज मार्केट गिरावट के पीछे दो इंपॉर्टेंट रीज़न है एक तो सबसे पहला रीजन ये हो गया कि आई सेक्टर और मेटल सेक्टर के अंदर आज गिरावट था यानी कमजोरी था जिस वजह से मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे मूव किया उसके साथ साथ जो अदानी ग्रुप के ऊपर अपडेट्स आ रहा है कहीं ना कहीं उसका भी इंपैक्ट आज मार्केट में देखने को तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं आज अदानी ग्रुप के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेरीज है कुछ ग्रुप के शेयर के ऊपर जिसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे आगे तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है प्लीज वीडियो को पूरा तक जरूर देखना तो आज अदानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर जो कि पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया बहुत सारे शेयर के अंदर स्टिल लोअर सर्किट देखने को मिला जैसे कि आप, आप देख सकते हो एस सी सीमेंट आज लगभग दो परसेंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया एन एस सी बी एस सी के ऊपर अदानी एंटरप्राइज की बात करें आज काफी वॉलीटाइल था फिर भी कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ करीब करीब दो परसेंट के आसपास करेक्शन हुआ अदानी एंटरप्राइज के शेयर के अंदर ग्रीन की बात करें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला आज भी कोई डिफरेंट नहीं था पाँच परसेंट की लोअर सर्किट पोर्ट की बात करें यहाँ पे साढ़े आठ परसेंट की तेजी था इसके पीछे प्रॉपर डीजाइन भी है जो कि आगे वीडियो में हम कवर करेंगे पावर की बात करें यहाँ पे भी पाँच परसेंट की लोअर टोटल गैस की बात करें यहाँ पे भी पाँच परसेंट की लोअर देखने को मिला अदानी ट्रांसमिशन यहाँ, यहाँ पे भी दस परसेंट की लोअर सर्किट और विलमर की बात करें यहाँ पे भी पाँच परसेंट की लोअर सर्किट के साथ क्लोजिंग गया अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे हल्का फुल्का तेजियाज़ देखने को मिला जीरो के आसपास तो दोस्तों चलिए एक एक करके न्यूज़ कवर करते हैं तो सबसे पहले जो न्यूज़ का हेडलाइन ऐसा है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है या आप बोल सकते हो एक टाइप के एनालिस्ट भी है जिसका नाम है अश्वत दामोदरन वैल्यूज अदानी इंटरप्राइज स्टॉक नौ सौ तो आज की डेट पे हमने देखा कि अदानी इंटरप्राइज का जो स्टॉक वो क्लोजिंग दिया करीब करीब आप डेढ़ हज़ार रुपये के ऊपर मतलब एक हज़ार पाँच सौ चौवन रुपये पे उसके साथ अगर हम कंपेयर करें इन्होंने जो इसका फेयर वैल्यू बताया है नौ सौ तो करीब करीब 40 परसेंट अभी और नीचे आना चाहिए अब आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये जो एनालिस्ट है इनका क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे भूमिका है या ये कौन है तो इनका जो परिचय है अब देख थोड़ा सा देख लीजिए यह प्रोफेसर ऑफ फाइनांस एट द स्ट्रें स्कूल ऑफ बिजनेस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मतलब इनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव भी है काफी अच्छा नॉलेज भी है तो उन्होंने अपने जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये कमेंट किया है कि अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है उसका फेयर वैल्यू है नौ सौ सैंतालीस रुपए तो अगर ये सच हुआ तो करीब करीब फोर्टी परसेंट अदानी एंट्रप्राइज का शेयर नीचे गिर सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है और जिस वजह से आज हमें अदानी पोर्ट के अंदर थोड़ा तेज़ी भी देखने को मिला जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी प्रोमोटर्स पे 1.1 बिलियन टू रिलीज प्लेज शेयर मतलब कुछ कुछ कंपनी अदानी ग्रुप के जो कि गिरवी रखा शेयर है जिसको यहाँ पे मुक्त करेगा जैसे कि पे आप, आप देख सकते हो कि 1.114 बिलियन जो कि यहाँ प्री पे करेगा कुछ कुछ कंपनी अदानी ग्रुप के जैसे कि अदानी पोर्ट हो गया अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया अदानी ट्रांसमिशन हो गया तो ये तीन कंपनी के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा गिरवी रखा शेयर है मैं आपको थोड़ा सा इसका यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना 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 परसेंट गिरवी है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन के अंदर ज़्यादा नहीं है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास मतलब अदानी गौतम अदानी जी के पास टोटल सिक्सटी पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का स्टेक है उसके बाद देखें जो गिरवी है ठीक है टू पॉइंट सिक्स फाइव और सी आ, स्टेज में अगर हम बात करें तो लगभग 4.36 परसेंट की जो शेयर गिरवी रखा हुआ है तो ये सारे जो गिरवी रखा शेयर है इसको प्रीपे करेगा उसके साथ साथ अदानी पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरवी रखा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गौतम अदानी जी कंपनी का प्रोमोटर है उनके पास लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट को स्टेक है बट प्लेज शेयर बहुत ज़्यादा है बी जोन की अगर हम बात करें तो लगभग इलेवन का यहाँ पे गिरवी रखा शेयर है और अगर हम बात करें सी जोन पर आप देख सकते हो करीब करीब सेवनटीन का गिरवी रखा शेयर है तो ये सारे शेयर दोस्तों जो अगर यहाँ पे बोल सकते हो कि प्री पे कर लिया ऑबियसली तो यहाँ पे जो गिरवी रखा शेयर है वो खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज हमें अदानी पोर्ट के शेयर के अंदर भी देखने को मिल गया अब देखिए ग्रीन के अंदर क्यों देखने को नहीं मिला क्योंकि ग्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा गिरवी रखा शेयर नहीं है जिस वजह से ग्रीन के अंदर कोई बड़े चढ़े हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला और स्टिल लोअर सर्किट ही देखने को मिला तो ये एक अच्छा अपडेट था स्पेशली ये सारे शेयर होल्डर के लिए अब दोस्तों जो न्यूज़ मैं आपको दिखाने और यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ प्लीज़ उस न्यूज़ को कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे के साथ मत जुड़ना बस यहाँ पे एक अपडेट आया जो कि आपके साथ मैं शेयर किया और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको आप एक आम जनता और उसके साथ साथ होके हो सके तो एक इन्वेस्टर्स की नज़र से ही पढ़ना और सुनना ठीक है तो यहाँ पर आपको लास्ट डे मैं आपको बोला था याद होगा कि आज जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया का मतलब कांग्रेस एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने जा रहा है अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में जिस वजह से आज हमने देखा जो पार्लियामेंट था उसको यहाँ पे मजबूरन एडजॉइंट करना पड़ा और ये कल तक एडजॉइंट रहेगा मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का स्थगित हो जाएगा ठीक है मतलब स्थगित है अभी देखिए सेवन फेबर तक ये बंद रहेगा ग्यारह बजे तक उसके बाद फिर से ओपन होगा लोकसभा ठीक है उसके बाद जो अपडेट है तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उनके तरफ से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल किया गया है स्पेशली अदानी ग्रुप को और उसके साथ साथ जो कि सरकार को टारगेट किया जैसे कि आप देख सकते हो अदानी इंडियनबर्ग सागा द रियल रिस्क टू मोदी इज़ नॉट द अपोजिशन तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या आ, कहने की कोशिश किया तो देखिए फॉर द थर्ड डे इन अ रो अपोजिशन पार्टीज़ ऑन मंडे मेंटेन द हिट ऑन द नरेंद्र मोदी लेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे बहुत सारा बोल सकते हो यहाँ पे आ, आगे पीछे स्टेटमेंट भी दिया जैसे कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदानी का सरकार आ, आ, कुछ सूट बूट की सरकार अदानी अंबानी की सरकार ऐसे ऐसे सब नारा दे रहा था मतलब वो प्रोटेस्ट के टाइम पे तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला ठीक है अब बात करेंगे कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो देखिए मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मेरा बस एक छोटा सा यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंड है कि भाई अभी अदानी को आगे आना चाहिए मतलब गौतम अदानी जी को आगे आके के कोई कुछ, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ या बोल सकते हो कि देश का जो जनता या इन्वेस्टर्स है उनको एक थोड़ा भरोसा या कॉन्फिडेंस मिल सके कि भैया हाँ चलो वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पे ठीक भी हो जाएगा बट बात यह है कि गौतम अदानी जी की तरफ से कोई स्ट्रोंग स्टैंड हमें देखने को नहीं मिला तो जिस वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें आज की डेट पर गहराई तक जाता हुआ नज़र आ रहा है उसके साथ साथ देखिए बांग्लादेश ने कुछ टाइम पहले आपको बोला था कि जो पावर एग्रीमेंट किया था अदानी ग्रुप के साथ एक तो वहाँ पे प्राइसिंग कम करने के लिए रिक्वेस्ट किया जो कोल का प्राइस है कोल इंपोर्ट का और आज की डेट पे ये भी बोल दिया कि बांग्लादेश गवर्नमेंट टू रिव्यू पावर परचेस एग्रीमेंट विद अदानी पावर कि भैया एक तो आप यहाँ पे जो इम्पोर्ट है कोल का वो प्राइसिंग थोड़ा कम कीजिए उसके साथ साथ हम आपके ऊपर थोड़ा रिव्यू भी करेंगे क्योंकि आपके ऊपर जो एलिगेशन आया है वो कहीं ना कहीं आज की डेट पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिले तो इसके पहले मैं आपको शेयर किया था याद होगा कि अदानी ने जो इम्पोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को वो है चार सौ मिलियन टन ठीक है मतलब चार सौ डॉलर पर मिलियन टन मेट्रिक टन सॉरी और यहाँ पे बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था उसको ढाई सौ डॉलर पर मेट्रिक टन करने के लिए और आज की डेट पे ये सारे स्टेट पर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि जो अदानी ग्रुप की ऑपरेशन है मतलब जो आप बोल सकते हो कि कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी डायरेक्टली उंगली उठ रहा है उसके साथ साथ इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है आगे अब बात करेंगे दोस्तों आप लोगों का कुछ यहाँ पे क्वेरीज आ रहा था कुछ अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर जैसे कि हो गया आपका अदानी पोर्ट हो गया कि भैया इसके अंदर तो लास्ट दो दिन पर काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला क्या इसके अंदर हम बाई करें या नहीं करें तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आज की डेट पे जो सिचुएशन खड़ा है मार्केट को ध्यान से सुनना मेरा वर्ड ठीक है तो उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ अभी अदानी ग्रुप से जितना हो सके दूर रहिए इग्नोर कीजिए लालच में आके एक भी शेयर इन्वेस्ट मत करना अब देखिए गौतम अदानी जी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है हो सकता है कि उनके पास पैसा है वगैरह जो भी है बट जो एलिगेशन आया है उसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दे रहा है जो कि सबसे बड़ा चिंताजनक बात है अगर इतना बड़ा एक ग्रुप है इतने लंबा टाइम क्यों खींच रहा है सब डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में डिजिटल ही होता है डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो जिस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी अदानी ग्रुप की हर एक शेयर से दूर रहिए बट हाँ आपके पास अगर शेयर है उसको सेल भी मत करना हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया क्योंकि लगभग दो साल पहले हमने हमने देखा था जब सुचेता दलाल जी की तरफ से ऐसे ही एक एलिगेशन आया था इंडाइरेक्टली अदानी ग्रुप का तो उसके बाद एक मतलब तो एक डेढ़ हफ्ता मार्केट के अंदर गिरावट हुआ शेयर के अंदर गिरावट हुआ अदानी ग्रुप के शेयर गिरा उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा आपके पास अगर शेयर है एटलीस्ट अभी सेल मत करो और कुछ कुछ शेयर तो जहाँ जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है पाँच पाँच परसेंट दस दस परसेंट करके वहाँ पे आप सेल भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि लोअर सर्किट में कोई सेल नहीं कर सकता तो सीधी सी भाषा में थोड़ा बहुत वेट कर जाइए बस वेट एंड वर्च स्ट्रैटेजी अपनाइए बाकी बाई करने की जरूरत नहीं है सेल भी करने की जरूरत नहीं है सिंपल भाषा में वेट एंड वर्च स्ट्रेटजी अपनाइए बाकी दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए टेक केयर बाय जय हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डी अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा